लाल रंग का बहुत, हाँ लाल रंग का। ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद है कि ये होली आपके जीवन के अंदर भी रंग भर देगी। लेकिन होली की बात की जाए तो होली मनाई किस लिए जाती है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। लेकिन होली रंगों का त्यौहार है, होली के दिन रंगों से खेला जाता है। लेकिन भाई होली के पहले दिन ये क्या हो रहा है, ये इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके इसके ऊपर जो है ये लाल रंग का धागा आखिरकार क्यों बांधा जा रहा है, तो इसकी भी एक अलग परंपरा है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि होली मनाई किस लिए जाती है, वो इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है होली किस लिए मनाई जाती है? मम्मी को पता है। मम्मी को पता, आप स्कूल में नहीं गई है। अच्छा आप बताइए होली किस लिए मनाई जाती है? होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है भाई, घर में सुख शांति रहे, बच्चों के लिए, अच्छा अपना घर के लिए। होली माता की जय। ठीक है, आप होली माता का जिक्र कर रही है, तो ये होली माता क्या थी और क्यों यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोग ये पूजा अर्चना कर रहे हैं? ये पूजा तो फिर रीति रिवाज है गांव की, करना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा आंटी जी आपको पता है कि आज होली किस लिए मनाते हैं? कि बुआ सीधा होली का तो उसको वो काली कमली थी उसके पास, तो वो उससे जल नहीं सकता था कोई भी, तो उसने अपने प्रहलाद को लेके बैठी थी कि ये उसके ऊपर भाई हट जाएगी हवा से और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो वो उल्ट हो गया कि वो जो उस पे ऊपर आ गया तो ऊपर के ऊपर वो बच गया। अच्छा मतलब ये है कि जो जो भगवान को मानता है, सच्चाई को मानता है, उसकी हमेशा जीत होती है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये मंदिर है जो यहाँ पर बनाया गया है किस चीज़ का मंदिर है? इसमें शिव परिवार है, राम परिवार है, अच्छा। और दुर्गा का है। ठीक है, तो शिव परिवार, राम परिवार, आप लोग देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार आप लोग देख पा रहे हैं। मुझे ये बताइए जल क्यों चढ़ाया जाता है यहाँ? मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब आप सभी लोगों का फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सब चीजों के लिए जल जरूरी होता है चढ़ाना, मतलब जल से तर्पण करते हैं सब चीज, जो देवी देवता है, जो भी पितर हैं, सबको तर्पण करते हैं। ये तर्पण करते हैं, इसके बिना वो पूजा अधूरी रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो पुराने ज़माने की, आपको पता होगा कि इन सबसे क्या चीज़ होती है, और ये जो है गोसे थेपले ये क्यों चढ़ाए जाते हैं यहाँ? ये परंपरा के अनुसार है जी, होलिका को दहन करने के लिए। तो ये हाँ, अग्नि तो तभी प्रज्वलित होगी ना जब ये, मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये सारी नवविवाहित करते हैं या सभी करते हैं पूजा? सभी करते हैं। जिनके पहला लड़का होता है वो ज्यादा पूजा अच्छी तरह करते हैं, वो ये ऐसे ओढ़ती हैं, ये पीलिया ओढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पीलिया ओढ़ना क्या जरूरी होता है? ये सुहाग की और बच्चे की, पुत्र होने की निशानी है ये। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई सुहागन ना हो या फिर कुंवारी कन्या हो, तो क्या वो भी पूजा अर्चना करती है? पूजा नहीं करती है, लेकिन विडो करती है वो भी लेती है, वो भी ये लेती है। ये यानी कि तलाकशुदा हो या फिर जिनके हस्बैंड तलाकशुदा भी नहीं करे, जिनके हस्बैंड रखती है, फास्ट रखा जाता है, हस्बैंड नहीं वो भी करती है बच्चों के लिए, फास्ट रखा जाता है। और रात को जब होली का दहन होगा उसके बाद ये अपना फास्ट तोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या आज के दिन सिर्फ पंजाबी ही इसका जो है फास्ट रखते हैं या फिर सभी धर्म के करते? ये यहाँ के जाट और जो लोकल हैं, ये अहीर वगैरह हैं, यादव हैं, वो सब सर्व जाति नहीं मानती इसको। अच्छा पंजाबी नहीं मानते, मैं हम पंजाबी। अच्छा मतलब इसीलिए आप नहीं कर रही हैं और सभी कर रहे हैं, ये शॉप है। अच्छा ये बताइए कि कैसा लगता है जब आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सेवा कर रही हूँ इनकी, मैं तो सुबह से लगी हुई हूँ, गऊओं का हटाने, सारा प्रसाद ये बांट रही हूँ उठा के बच्चों। चलिए देखते हैं भाई किस तरीके से पूजा की जाती है। एक बार बताएंगे कैसे आपने पूजा की है? ये सबसे पहले तो हमने ये जो थेपले बनाए थे इनको चढ़ाया गया है होलिका दहन के लिए। उसके बाद जो भी हम फ्रूट्स अनाज लेकर आते हैं वो इसके ऊपर हम स्तुति देते हैं अपनी तरफ से, अगरबत्ती लगाते हैं और उसके बाद जो रोली होती है इसको चारों तरफ लपेटा जाता है पूजा करने के लिए। और ये हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताया है कि भी होलिका दहन का क्या रीज़न था, कि भी जैसे प्रहलाद को गोद में लेकर उसकी बुआ बैठी थी, वो सोचा तो ये था कि भी वो जल जाएगा क्योंकि उसका बाप उसके खिलाफ था, पर हुआ क्या, वो खुद ही जो थी उसकी बुआ थी वही उसमें स्वाहा होगी, और जो प्रहलाद था वो तो विष्णु जी का भक्त था, वो वहीं पर बैठा रह गया। ठीक है, तो अगर होली के व्रत की बात की जाए तो होली का व्रत क्या जिस तरीके से हम लोग एक सुहागन का व्रत होता है वैसे ही रखते हैं, या फिर ये होली का व्रत जो है आप सीधा शाम को खोल लेती है खुद ही? शाम को ही खोला जाता है, जैसे दोपहर अपना करके पूजा कर ली, पूजा करने के बाद जल चढ़ा दिया हमने, जल चढ़ाने के बाद हम लोग अन्न ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जल आप चांद देवता को चढ़ाती हैं? नहीं, सूरज देवता, और इस टाइम दिन में चढ़ाया है ना हमने। और उसके बाद शाम को अपने घर पे हम पूजा करते हैं और मीठा पकवान बनाते हैं और सब में बांटते हैं और सब हम। तो आपके बच्चे या पति भी साथ में होते हैं या फिर अकेले जो है व्रत का उद्यापन? इस टाइम एक्चुअली ऑफिस में है, उनको छुट्टी नहीं थी, मेरी छुट्टी थी, बच्चे मेरे साथ हैं, गुड़िया है, बड़ी वाली गुड़िया भी है, हस्बैंड अभी ऑफिस है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह जो है इन महिलाओं के अंदर। एक बार हमारे व्यूवर्स को सब हैप्पी होली विश कर दीजिए इकट्ठे साथ में। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अच्छा ये बताइए, एक बिहार वासियों को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो होली की। भाई सारी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन आपको सबसे सुंदर कौन लग रही है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से होली की जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे जिनका बेटा जो है कृष्ण भगवान को मानता था, लेकिन हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं ही तेरा भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे माना जाए। लेकिन भाई प्रहलाद नाम का जो उनका बेटा था वो इतना ज़्यादा भक्ति भावना में लीन था कृष्ण भगवान की कि उसने अपने पिताजी की एक भी नहीं सुनी। तो हिरण्यकश्यप ने एक प्लान बनाया क्यों ना इसको जो है जला दिया जाए, क्योंकि अगर ये मेरा बेटा होता तो ये ज़रूर जो है मुझे पूजता, लेकिन ये मुझे नहीं पूज रहा है। तो इसके बाद होता क्या है, हिरण्यकश्यप की बहन जो है होलिका जिसका नाम होता है, और वो प्रहलाद को एक अपने माया जाल में फंसाती है। उसके बाद कहती है कि चलिए आप ना पूजा अर्चना करेंगे, और वो उसको गोद में ले करके अग्नि में बैठ जाती है। और होलिका को लगा कि वो नहीं जलेगी, प्रहलाद जो है जल करके राख हो जाएगा। लेकिन होना क्या था, होना ये था कि प्रहलाद जो है कृष्ण भगवान का इतना ज़्यादा भक्त था कि कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर आँच तक नहीं आने दी। और आपको बता दूं कि पहला अग्नि लगाई जाती है, लेकिन उसके अंदर होलिका स्वाहा हो जाती है, जल जाती है, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आती है, और वो हाथ जोड़ के पूछता रहता है लगातार कृष्ण भगवान को। और होलिका के नाम के ऊपर ही इस त्यौहार का नाम होली रखा गया था। आपको क्या पता था कि होली किस लिए मनाई जाती है? और अगर नहीं पता था तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है ये भी ज़रूर उनको बताइए, क्योंकि पूजा अर्चना का महत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। होली के पहले दिन पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है, और उससे अगले दिन जो है होली मनाई जाती है रंगों के साथ। तो आप सभी को भी हमारी तरफ से हैप्पी होली। उम्मीद है कि आपके जीवन के अंदर भी रंग भर जाएंगे, और इसी तरीके से अगर आप लोग भी होली मनाते हैं या फिर जिस भी तरीके से आपके घर के आसपास होली मनाई जाती है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए। और एक फ़ोटो शेयर करना ना भूलें, जिसकी सबसे अच्छी फ़ोटो होगी वो हम हमारे पेज के ऊपर कल शेयर करेंगे। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको होली से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाती रहूँगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।